हेलो दोस्तों, मेरा नाम स्वस्ति नागर है और मैं जेलन मेडिकल कॉलेज अजमेर से एमबीबीएस की शिक्षा प्राप्त कर रही हूँ। इस लेसन में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इंसानों में किस तरह का एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। हम किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर के बारे में बात करेंगे और किडनी अंदर से किस तरह की होती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आएगा और आपको मेरी तरफ से गुड लक। इस लेसन में हम लोग बात करने वाले हैं इंसानों के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो इंसानों में या ह्यूमंस में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसके चार मुख्य भाग होते हैं, जो कि होता है किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। तो आइए हम इनके बारे में बात करते हैं। जब हम किडनी के बारे में बात करते हैं तो उसकी लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई होती है 5 से 7 सेंटीमीटर और 2 से 3 सेंटीमीटर मोटाई होती है और उसका वजन यानी वेट होता है 120 से 170 ग्राम के बीच में। जो किडनी होती है वो T12 यानी कि थोरेसिक की लास्ट वर्टिब्रा से लेकर L3 यानी कि तीसरी लंबर वर्टिब्रा तक एक्सटेंड करती है और 11वीं और 12वीं रिब्स इसको प्रोटेक्ट करने में मदद करती है। किडनी बीन शेप की होती है और रेट्रोपेरिटोनियल होती है, यानी कि जो पेरिटोनियम होता है वो सिर्फ किडनी के आगे की तरफ होता है, यानी किडनी पोस्टीरियर अब्डोमिनल वॉल पे लाई करती है, पोस्टीरियर अब्डोमिनल वॉल पर होती है। जो राइट यानी कि दाएं तरफ की किडनी होती है वो थोड़ा नीचे की तरफ होती है जब लेफ्ट किडनी से कंपेयर किया जाता है। लेफ्ट किडनी से जब उसकी तुलना की जाती है तब राइट वाली किडनी थोड़े निचले स्तर पे पाई जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दाईं ओर लिवर का राइट लोब भी पाया जाता है और वो बड़ा होता है, इसीलिए उसकी वजह से जो दाईं ओर की किडनी है वो थोड़े निचले स्तर पे होती है। किडनी कॉनकेवो कॉन्वेक्स होती है, यानी कि बाहर की तरफ से कॉन्वेक्स और बीच की अंदर की तरफ से कॉनकेव होती है। जो किडनी के बीच का कॉनकेव भाग है अंदर की तरफ उसको हाइलम कहते हैं। यहां से पेल्विस निकलता है जो कि यूरेटर में आगे जाके कंटिन्यू हो जाता है और इस हाइलम से किडनी की आर्टरी, वेन और नर्व तीनों या तो अंदर जाती है या बाहर की तरफ निकलती है। फिर हम बात करते हैं किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर की। तो पहली बात तो ये कि मैमल्स में जो किडनी होती है वो मेटानेफ्रिक टाइप की किडनी होती है। इसमें बाहर की तरफ तो कॉर्टेक्स होता है और अंदर की तरफ मेड्यूला होता है और इसमें 8 से 18 के करीब मेड्यूलरी पिरामिड होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये होते हैं मेडुलरी पिरामिड। तो क्या होता है कि एक तो पहले तो ये तो हाइलम होता है जिसमें से हम देख रहे हैं कि रीनल आर्टरी, वेन, नर्व और पेल्विस जो कि आगे यूरेटर बना रही है वो सब इस जगह से अंदर जा रहे हैं और बाहर आ रहे हैं। तो फिर मेडुलरी पिरामिड 8 से 18 करीब पिरामिड किडनी में होते हैं। ये रीनल कैप्सूल इसके बाहर होता है और इन पिरामिड से कुछ डक्ट्स निकलती हैं जिनको डक्ट्स ऑफ बेलिनाय कहा जाता है। बाहर की तरफ कॉर्टेक्स होता है, अंदर जहां ये सब सामग्री यानी कैलिक्स प्रेजेंट होते हैं इसको मेड्यूला बोलते हैं और रीनल कॉलम्स होते हैं जो कि मेड्यूला का एक्सटेंशन होते हैं, कॉर्टेक्स का सॉरी एक्सटेंशन होते हैं अंदर की तरफ मेड्यूला की तरफ। फिर हम बात करते हैं कि यूरिन जब बनती है किडनी में तो वो किस तरह से शरीर से बाहर निकाली जाती है। तो सबसे पहले किडनी के अंदर कई सारे नेफ्रॉन्स होते हैं जो कि किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, यानी कि किडनी को बनाने में भी नेफ्रॉन्स का भाग होता है और किडनी का जो फंक्शन होता है उसमें भी नेफ्रॉन्स की एक अहम भूमिका होती है। तो नेफ्रॉन्स का सबसे अंतिम भाग होता है कलेक्टिंग डक्ट। इस कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए पैपिलरी डक्ट के द्वारा रीनल पिरामिड के अंदर यूरिन जाती है, वहां से फिर माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से होते हुए हाइलम के द्वारा
पेल्विस से पास होते हुए यूरिन यूरेटर में जाती है, फिर यूरिनरी ब्लैडर में जाती है, और अंतिम बार जब वो यूरेथ्रा से निकलती है उसी तरह शरीर से वो एक्सक्रीट कर दी जाती है। जब बाहरी कॉर्टेक्स मेड्यूला के अंदर आता है तो वो रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टिनी बनाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये बाहर कॉर्टेक्स है, ये जब अंदर की तरफ आ रहा है तो ये रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टिनी बनाएगा। उसके अलावा जो रीनल पैपिला होता है, ये हमने देखा था कि यूरिन किस पाथ से किस तरह से होते हुए शरीर के बाहर जाती है, तो उसमें भी हमने देखा था कि रीनल पैपिला से होते हुए यूरिन माइनर कैलिक्स में जाती है, फिर मेजर कैलिक्स में जाती है, फिर हाइलम से जो पेल्विस निकलता है उससे होते हुए यूरिन यूरेटर में जाती है और शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। जब हम बात करें यूरेटर की, तो ये किडनी के हाइलम यानी कि इनर सरफेस के सबसे बीच वाले जगह जो कॉनकेव होता है वहां हाइलम होता है, जहां से यूरेटर पेल्विस के द्वारा बाहर आता है। अब हम यूरेटर की बात करें तो इसकी लंबाई 28 सेंटीमीटर तक होती है। यूरेटर जो है ट्रांजिशनल एपिथीलियम से बना होता है। ट्रांजिशनल एपिथीलियम की ये खासियत होती है कि वो पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम में ट्रांजिशनल एपिथीलियम ही होता है और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच कर सकता है, यानी कि काफ़ी सारी मात्रा में यूरिन को इकट्ठा कर सकता है, काफ़ी देर तक यूरिन को एक्सक्रीटरी सिस्टम में रखा जा सकता है। इसीलिए यूरेटर में भी ट्रांजिशनल एपिथीलियम होता है जो कि बाहर से मसल फाइबर से घिरा हुआ होता है। यूरेटर जो है वो ओब्लीक होता है, यानी कि सीधा सीधा नहीं होकर थोड़ा तिरछा होता है। यूरेटर की जो ओपनिंग होती है जहां से वो यूरिनरी ब्लैडर में खुलता है वो ओब्लीक ओपनिंग होती है, ताकि जब यूरिनरी ब्लैडर यूरिन से पूरा भर के कॉन्ट्रैक्ट करे और जब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो यूरिन का रिकर्जिटेशन यानी कि पीछे की तरफ बहाव ना हो और वो वापस से यूरेटर में ना चली जाए। यूरेटर भी रेट्रोपेरिटोनियल होता है, यानी कि पेरिटोनियम सिर्फ आगे की तरफ होता है और यूरेटर भी पोस्टीरियर अबडोमिनल वॉल से चिपका हुआ उसके पास में होता है। फिर हम आते हैं यूरिनरी ब्लैडर पे। यूरिनरी ब्लैडर अंदर से एक एक मस्क्यूलर ऑर्गन होता है, मसल से बना हुआ होता है पर हॉलो होता है, यानी अंदर से खाली होता है। इसकी कैविटी स्मूथ मसल से यानी डेट्रूसर मसल से बनी होती है और नीचे की तरफ एक ट्राइंगुलर जगह होती है जो ट्राइगोन मसल से बनी होती है। ब्लैडर के नीचे की तरफ जहां ब्लैडर की नेक होती है वहां से यूरेथ्रा बाहर निकलती है। यूरिनरी ब्लैडर भी ट्रांजिशनल एपिथीलियम से बना होता है और मैंने आपको बताया कि ट्रांजिशनल एपिथीलियम की खासियत यह होती है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रेच करके काफी ज्यादा यूरिन इकट्ठा करके रख सकता है। यूरिनरी ब्लैडर में दो तरह के स्फिंक्टर होते हैं, यानी कि स्फिंक्टर मदद करते हैं खुलने और बंद होने में, जिस तरह से यूरिन का बहाव कंट्रोल किया जा सकता है। तो जो अंदर की तरफ का स्फिंक्टर होता है वो इनवॉलेंट्री होता है, यानी कि नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं होता है और इसीलिए उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है हमारी इच्छा के अनुसार, जबकि बाहर वाला स्फिंक्टर वॉलेंट्री होता है, यानी कि उसको इच्छा के अनुसार कंट्रोल किया जा सकता है। यूरिनरी ब्लैडर के म्यूकोसा में रूजी मिलते हैं और इन रूजी की खासियत ये होती है, ये ऐसी ही रूजी हमें स्टमक में यानी पेट में और वेजाइना में भी मिलते हैं। ये रूजी जब सिकुड़े हुए होते हैं तब एरिया काफ़ी छोटा होता है और जैसे जैसे ये फैल जाते हैं, जैसे जैसे यूरिनरी ब्लैडर का साइज ज़्यादा यूरिन की वजह से बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये रूजी खुल जाते हैं, यानी कि ये एरिया को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। फिर हम आते हैं यूरेथ्रा पे। यूरेथ्रा फीमेल्स में यानी महिलाओं में 3 से 5 सेंटीमीटर तक होती है और सिर्फ यूरिन को शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है, जबकि मेल्स यानी पुरुषों में जो यूरेथ्रा है वो 20 सेंटीमीटर तक होती है और वो यूरिन और सीमेन दोनों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है। इसीलिए पुरुषों में जो यूरेथ्रा है वो जहाँ खुलता है उसको यूरोजेनाइटल अपर्चर कहते हैं, यानी कि यूरिन और जेनाइटल यानी सीमेन दोनों के लिए
ये ओपनिंग होती है। यूरेथ्रा के तीन भाग होते हैं, एक तो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा जो प्रोस्टेट में से पास करता है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा जो कि उसके जस्ट नीचे छोटा सा, सबसे छोटा 1 सेंटीमीटर का भाग होता है, और पिनाइल यूरेथ्रा जो कि पीनस में से पास होता है और अंतिम भाग होता है यूरेथ्रा का। अगर हम किडनी की हिस्टोलॉजी की बात करें तो वो मिलकर बनते हैं नेफ्रॉन से, जिसमें एक तो मैल्फिगियन बॉडी या रीनल कॉर्पसल होता है और कुछ ट्यूब्यूल्स होती हैं। जो मैल्फिगियन बॉडी और सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि नेफ्रॉन होता क्या है। एक किडनी में करीब 1 मिलियन यानी कि 10 लाख तक नेफ्रॉन हो सकते हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन होता है, यानी कि किडनी के बनने में और उसके फंक्शन में दोनों में नेफ्रॉन ही सहायक होता है। तो हमने पढ़ा इसके दो भाग होते हैं, मैल्फिगियन बॉडी जो कि मार्सिलो मैल्पिगाय साइंटिस्ट ने ये नाम दिया था। मैल्फिगियन बॉडी ये होती है कि बोमन्स कैप्सूल और उसके अंदर की सारी ब्लड वेसल कैपिलरी का नेटवर्क मिलाकर मैल्फिगियन बॉडी कहा जाता है। और किडनी में कार्डियक आउटपुट यानी कि दिल से जितना भी हार्ट से रक्त पंप होके शरीर में भेजा जाता है, उसका 20-25% रक्त मैल्फिगियन बॉडी यानी बोमन्स कैप्सूल में फिल्टर होने के लिए लाया जाता है। दूसरी बात आई ट्यूब्यूल्स की, बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के अलावा नेफ्रॉन में ट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि सबसे पहले PCT यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल बनाती हैं, जहां सबसे ज्यादा रीअब्सॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है। उसके बाद एक यू शेप का हेयर पिन लूप बनता है जिसको हेनलेज लूप बोलते हैं। इसमें डिसेंडिंग और असेंडिंग आर्म होते हैं, यानी कि नीचे की तरफ जाने वाला आर्म और ऊपर की तरफ जाने वाला आर्म। जो ऊपर की तरफ जाने वाला असेंडिंग आर्म होता है वो फिर बाद में DCT से मिलता है जिसको डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं, और फिर बाद में कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा डक्ट ऑफ बेलिनाय और पैपिलरी डक्ट से होकर पेल्विक पार्ट यानी कि माइनर और मेजर कैलिक्स में जाते हुए यूरिन जो है उसको पेल्विस के द्वारा आगे यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो ये था इस पूरे चैप्टर की बात। मैं आशा करती हूँ आप सबको अच्छे से समझ आया होगा, और आपको मेरी तरफ से गुड लक।